आज का इस वीडियो में हम आपको रिग्रेट से संबंधित कुछ वाक्य बताएंगे। तो सबसे पहले रिग्रेट का जो हिंदी है वो देख लीजिए, पश्चाताप करना या पश्चाताप होना या पश्चाताप है या हो रहा है। तो इसका रूल है कि रिग्रेट सब्जेक्ट के बाद में, पहले तो हम सब्जेक्ट नोट करेंगे उसके बाद में रिग्रेट लिखेंगे, उसके बाद में अगर हम लिखते हैं जेरंड का यूज़ करते हैं तो इसमें, और रिग्रेट के बाद इन्फिनिटिव लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। कि देखिए, यदि हम रिग्रेट के बाद में जेरंड का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि पहले ये काम लगातार होता था और ये हुआ है, इसका अच्छा सा अनुभव प्राप्त किया गया है और आज उसका जो है पश्चाताप हो रहा है, काम ये भूतकाल में हो चुका है और पश्चाताप उसका आज हो रहा है यानी अब हो रहा है। और दूसरे में यदि हम रिग्रेट के तुरंत में इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं अर्थात टू प्लस में वी वन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि दुख पहले हो रहा है और काम जो है अभी तक हुआ नहीं है, काम बाकी है लेकिन दुख पहले से होने लग जाता है। यानी बुरी खबर देने के लिए हम रिग्रेट प्लस में टू इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं और जो है अपनी पीछे की जो भूल होती है, गलती होती है, उसको बताने के लिए हम रिग्रेट के साथ में जेरंड का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले, इसके बाद में जो है ये इन्फिनिटिव है, इसमें इन्फिनिटिव के बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में दैट लगाएंगे, दैट के बाद में एक सेंटेंस होगा छोटा या बड़ा। तो देखिए आज का पहला सेंटेंस है आई रिग्रेट, आई रिग्रेट डिस्पाइजिंग माई रिलेटिव्स। आई रिग्रेट डिस्पाइजिंग माई रिलेटिव्स, आई रिग्रेट, मुझे पश्चाताप है अर्थात मुझे पछतावा हो रहा है, किस बात का? डिस्पाइजिंग माई रिलेटिव्स, कि मैं अपने संबंधियों का, कि मैं अपने रिश्तेदारों का जो है घृणा करता था। यानी लगातार ये काम होता रहा था उस समय, घृणा जो है ये निरंतर रूप से बनी रहती थी रिश्तेदारों के प्रति। इसका मैंने अच्छा अनुभव लिया घृणा करने का, मैंने खूब घृणा किया रिश्तेदारों से और ये काम भूतकाल में हो चुका है और वर्तमान में जो है आई रिग्रेट, अब उस किए हुए कार्य का मुझे पश्चाताप हो रहा है। अगला देखिए दूसरा, आई रिग्रेट इग्नोरिंग इंग्लिश, आई रिग्रेट इग्नोरिंग इंग्लिश, कि मैं अंग्रेजी से उपेक्षा करता रहा, ध्यान नहीं देता रहा और ये जो है उपेक्षा हमेशा से बनी रही और ये उपेक्षा बनी रही और ये अब समय गुजर चुका है और आज जो है आई रिग्रेट, आज जो है मैं इसका पश्चाताप कर रहा हूँ, मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अंग्रेजी भाषा का यानी अंग्रेजी का उपेक्षा किया था, उपेक्षा करता रहा था और आज मुझे इसका जो है पछतावा हो रहा है। देखिए अगला सेंटेंस, अगला है ही रिग्रेट्स ही रिग्रेट्स हैविंग वाइन एट दी एज ऑफ 30। ही रिग्रेट्स, उसे पछतावा हो रहा है, उसे आज पछतावा हो रहा है हैविंग वाइन, कि वह शराब पीता रहा एट द एज ऑफ 30, जब उसकी आयु 30 साल की थी। 30 साल की उम्र में वह लगातार शराब पीता रहा, शराब का अनुभव लेता रहा, पूरा एक्सपीरियंस किया और आज जो है वो वक्त गुजर चुका है और आज
उसे पछतावा हो रहा है। देखिए अगला सेंटेंस, आई रिग्रेट इंसल्टिंग हिम, आई रिग्रेट इंसल्टिंग हिम, उसकी बेइज्जती करता रहा, उसकी बेइज्जती करता रहा और बेइज्जती खूब किया। और अब ये जो है समय बीत चुका है, भूतकाल की बात है ये, और मैं आज जो है इसका पछतावा कर रहा हूँ, पश्चाताप मुझे हो रहा है कि मैं उसकी बेइज्जती करता रहा, यानी उसी उसकी बेइज्जती करने का आज मुझे पछतावा हो रहा है। देखिए अगला सेंटेंस, सी रिग्रेट्स सी रिग्रेट्स, उसे पछतावा हो रहा है, उसे पछतावा है, यानी एक ऐसी इसके अंदर पछतावा होता है, पछतावा है, यानी पछतावा है का मतलब है पछतावा जो एक भावना है ये हो रही है, यानी हम इसको लिखते तो प्रेजेंट सिंपल में है लेकिन इसमें कंटिन्यूस का भाव आता है हमेशा, यानी पछतावा हो रहा है, यानी कि ये निरंतर होने वाला काम है। ठीक है कि सी रिग्रेट्स, उसे पछतावा है, उसे पछतावा होता है, उसे पछतावा हो रहा है, किस बात का? ईटिंग मीट, सी रिग्रेट्स ईटिंग मीट, वह मीट खाती रही, इसका खूब उसने अनुभव लिया, खा के अच्छा अनुभव लिया और आज जो है उसको पछतावा हो रहा है। सी रिग्रेट्स ईटिंग मीट, ये काम उसने पहले किया और आज उसको ये पछतावा उसको हो रहा है। अब समझने की बात ये है इसमें कि इसका और इसका जो समय है, टाइम है, ये पहले का है और ये अब का है, इस ये दोनों ही क्रियाएं हैं, ये वैसे जेरंड है लेकिन इसमें वर्ब का गुण है, इसे वर्ब से बना हुआ है लेकिन यूज इसका जेरंड के रूप में कर रहे हैं, तो रिग्रेट्स के बाद में जेरंड का यूज हो रहा है, तो ये भी ये और ये ईटिंग और रिग्रेट्स, यानी जो रिग्रेट्स है इससे पहले ये काम हो चुका है ईटिंग का और अब जो है ये हो रहा है रिग्रेट्स वाला। तो अब देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है आई रिग्रेट आई रिग्रेट टू। अब की बार मैं आपको इन्फिनिटिव वाला बता देता हूं, तो इन्फिनिटिव से कैसे बनते हैं, आई रिग्रेट टू से that I regret to say that his friend is injured his friend is injured in an एक्सीडेंट। अब बात इसमें यह है समझने वाली, ये तो आपको समझ में आएगी जेरंड वाला। अब जो इन्फिनिटिव लगा है ये रिग्रेट है और रिग्रेट के बाद में जैसा कि ऊपर मैंने बताया है इन्फिनिटिव का यूज करते हैं रिग्रेट के बाद में, तो क्या होता है कि इसमें बुरी खबर बतानी हमको, यानी इन्फिनिटिव का यूज जो है रिग्रेट के बाद में हम तभी करते हैं जब हमें कोई बैड न्यूज़ बतानी है आगे वाले सेंटेंस के अंदर, आगे आने वाले जो सेंटेंस है उसमें हमें कोई बैड न्यूज़ देनी है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं इसका हिंदी, आई रिग्रेट टू से, मुझे पछतावा हो रहा है, टू से दैट, यह कहने के लिए कि, यह कहना है मुझे पछतावा हो रहा है और यह कहना है कि हिज फ्रेंड इज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, कि उसका जो दोस्त है वह एक दुर्घटना में घायल हो गया है। अब यह बुरी सूचना है, उसका मित्र दुर्घटना में घायल हो गया है, घायल हो चुका है, यह बात मुझे कहना है, और जो कहना है लेकिन काम इसमें हुआ नहीं, काम अभी कहना है कहा नहीं गया है,
लेकिन पछतावा जो है वो पहले से ही शुरू हो गया है, यानी जो पछताने का कार्य है वो पहले से ही हो रहा है, दुख मुझे पहले से ही हो रहा है, पछतावा मुझे पहले से ही हो रहा है कि मुझे ये कहना है कि उसका जो दोस्त है वो एक दुर्घटना में घायल हो गया है। देखते हैं अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए, आई रिग्रेट आई रिग्रेट टू से दैट आई एम नॉट इन पोजिशन टू लैंड हिम मनी। आई रिग्रेट टू से दैट, मुझे पछतावा हो रहा है लेकिन ये पहले से हो रहा है, काम हुआ नहीं है लेकिन पछतावा जो है पहले से शुरू हो गया है। आई रिग्रेट, मुझे पछतावा हो रहा है टू से दैट, और ये कहना है मुझे कि आई एम नॉट इन पोजिशन टू लेंड यू मनी, कि मैं तुम्हें धन उधार देने की स्थिति में नहीं हूँ, अर्थात मैं तुम्हें धन देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं तुम्हें धन उधारे यानी उसे जो है मैं धन उधारे नहीं दे सकता, उसे धन देने उधार देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, ये बात मुझे कहनी है तो से दैट, ये बात मुझे कहनी है लेकिन आई रिग्रेट, कहने से पहले मुझे रिग्रेट हो रहा है, अर्थात मुझे पश्चाताप होने लगा है, पश्चाताप हो रहा है। अगला देखिए सेंटेंस, अगला जो सेंटेंस है ये देखिए, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म हिम दैट आई रिग्रेट, मुझे पछतावा हो रहा है, टू इन्फॉर्म हिम दैट, उसे यह सूचना देनी है कि उसे यह सूचना देनी है, काम हुआ नहीं है, सूचना दी नहीं गई है, देनी है सूचना लेकिन दुख पहले से होने लगा है, मुझे पछतावा पहले से होने लगा है, मुझे पछतावा हो रहा है, उसे यह सूचना देनी है कि दैट, अब यहां लिखते हैं दी, लिखते हैं दी टी एच ई दी, द ट्रेन इज रनिंग, द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड बिहाइंड बाय बाय 2 hours। मुझे पछतावा हो रहा है, टू इन्फॉर्म हिम दैट, उसे यह सूचना देनी है कि दी ट्रेन यानी रेल जो है, दी ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड, रेल यानी ट्रेन जो है वो पीछे चल रही है, बाय 2 hours, 2 घंटे से, यानी 2 घंटे से वो ट्रेन जो है पीछे चल रही है, 2 घंटे अपने निर्धारित समय से वो 2 घंटे पीछे चल रही है, यानी देरी से चल रही है। मुझे पछतावा हो रहा है ये सूचना उसे देने के लिए कि ट्रेन यानी गाड़ी जो है 2 घंटे अपने निर्धारित समय से 2 घंटे पीछे चल रही है, यानी दौड़ने का मतलब गाड़ी दौड़ती है चलती नहीं है, तो रनिंग करना पड़ेगा यहाँ, रनिंग चलने के लिए आप रेलगाड़ी के लिए, बसों के लिए, जो भी पहिए वाले वाहन हैं, जो जिनके पहिए वो दौड़ते हैं वो चलते नहीं हैं, लेकिन कहने में वो चलना होता है लेकिन सही में वो दौड़ना ही होता है उनका। लिखिए अगला सेंटेंस देखिए, अब अगला जो सेंटेंस है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट मुझे पछतावा हो रहा है, ये सूचना देने के लिए कि
मुझे पता हो रहा है, यह सूचना देना है कि हिज फ्रेंड इज नो मोर। मुझे पछतावा हो रहा है। अब देखिए, सूचना तो दी नहीं गई है, सूचना तो देनी है, लेकिन दुख जो है वो, पश्चाताप जो है वो पहले से होने लगा है। मुझे पछतावा हो रहा है इस बात का कि उसे सूचना देनी है कि उसका जो दोस्त है वो इज नो मोर, अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस, आई रिग्रेट टू से दैट, आई रिग्रेट टू से दैट, आई रिग्रेट, मुझे पछतावा हो रहा है टू से दैट, ये कहना है कि दीप फैन, यानी जो जो पंखा है, दैट द फैन इज मेल फंक्शनिंग, इज मेल फंक्शनिंग, फंक्शनिंग का अर्थ है काम कर रहा है, सही चल रहा है, फंक्शन हो रहा है उसमें। मेल फंक्शनिंग का अर्थ है काम नहीं कर रहा है, अर्थात आई रिग्रेट, मुझे पछतावा हो रहा है, यानी कि पछतावा और दुख पहले से होने लगा है, पछतावा पहले से ही हो रहा है मुझे, कहा नहीं है अभी, इसमें काम बाकी है, अभी हुआ नहीं है। टू से दैट, ये कहना है, ये कहने के लिए मुझे दुख हो रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है कि, मुझे पछतावा हो रहा है, ये कहना है कि, टू से दैट, ये कहना है कि द फैन इज मेल फंक्शनिंग, कि पंखा खराब चल रहा है, अर्थात ठीक नहीं चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे कि हम कब रिग्रेट के साथ में जेरंड का यूज़ करते हैं और कब हम रिग्रेट के साथ में इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। रिग्रेट के साथ में जेरंड का यूज़ जब करते हैं तो ये जो भूतकाल की जो की हुई गलती होती है, जो उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं जेरंड का रिग्रेट के तुरंत में। और रिग्रेट का मतलब है पछतावा मुझे आज हो रहा है, जैसे आप कहा कह दिया जाए कि आई रिग्रेट स्मोकिंग, तो मुझे अब क्या है कि मुझे पछतावा हो रहा है। अब स्मोकिंग का मतलब है कि स्मोकिंग जो है मैंने पहले किया है, यानी स्मोकिंग करने का जो है, धूम्रपान करने का जो इसका अनुभव है मैंने पहले लिया है और ये काम अब हो चुका है, ये पहले हो चुका है, खूब इसका अनुभव मैंने लिया है, लेकिन आज मुझे उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं कि पछतावा हो रहा है मुझे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब क्या है कि आई रिग्रेट, मुझे पछतावा हो रहा है स्मोकिंग, जो मैंने पहले धूम्रपान किया था। तो ये हुआ। और रिग्रेट के साथ में इन्फिनिटिव का यूज़ हम तभी करेंगे जब हमें ये बताना है कि कोई बुरी सूचना देनी है, काम हुआ नहीं है, काम आगे बताना होता है कि बुरी सूचना क्या है, किसको देनी है, क्या सूचना है, वो दी जाएगी, सूचना दी नहीं गई है, लेकिन दुख पहले से होने लगता है, तो ऐसे में हम रिग्रेट के साथ में इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सभी सारे वाक्य समझ में आ गए, सेंटेंस आप इसका यूज़ करते रहिए, लाभ उठाते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।